आनंद और कितनी देर लगाएगा कन्नी बनने में? वहाँ सब बच्चे जा रहे हैं, हमें कंपटीशन में लेट हो जाएगा। तू टेंशन मत ले, देखना ऐसी कन्नी बांधूंगा कि मेरी पतंग हवा से बातें करेगी। एक काम कर, तू जा, मैं आता हूँ। जिस बच्चे को है पतंग से प्यार, वो बनेगा पतंगा का शिकार। अब इस बच्चे को मैं पतंग लोग ले जाकर उस डोर पे लटकाऊंगी, फिर एक के बाद एक सारे बच्चों को उसी डोर पे लटकाऊंगी, और इन बच्चों के जरिए मेरा महाशक्तिशाली मणि पाने का परसों पुराना सपना होगा साकार। सुंदर पतंग है। मैंने जो बालवीर को चुनौती होगी आपको पूरी। काश जा पाता मैं पृथ्वीलोक और देख पाता ये कमाल परी पतंगा का अपनी आंखों से। लेकिन वो बालवीर का जादू, उसका क्या? उसका क्यों? अरे हाँ, आया याद मुझे। है एक चीज परीलोक में होगा नहीं जिस पे असर बालवीर के जादू का। वाह जाता अभी मैं परीलोक और चुरा लेता वो एक चीज। चल तोबा तोबा चल। डुबा डुबाई क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों है? इतने भागकर क्यों है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ देखभाल परे। तो क्या परीलोक पे कोई खतरा है डुबा डुबा एक? नहीं तो फिर बात क्या है डुबा डुबा एक, बताइए तो सही। है मिला आज मुझे समाचार पृथ्वीलोक से कि वहाँ आज है मनाने जा रहे बच्चे पतंग महोत्सव। डुबा डुबा एक, ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें इतने चिंतित होने वाली क्या बात है? कीजिए क्षमा रानी परी, लेकिन नहीं ले सकता क्या मैं भी थोड़ा आनंद पतंग उड़ाने का? है चाह रहा मेरा भी मन कि जाऊं मैं भी पृथ्वीलोक और उड़ाऊं पतंग बच्चों की तरह। इसलिए अगर आज के दिन मुझे मिल जाती छुट्टी तो जाके पृथ्वीलोक। डूबा डूबा एक, आपने साहस भी कैसे किया एक दिन की छुट्टी मांगने का? अब हम आपको इस बात के लिए दंड देंगे, और आपका दंड ये है कि आप पृथ्वीलोक के बच्चों के साथ पतंग उड़ाने जाए। नहीं रानी परे, मत दीजिए मुझे इतना बड़ा दंड। कीजिए क्षमा मुझे रानी परी, कीजिए क्षमा रानी परी, कीजिए क्षमा। डुबा डुबा एक, हम ये कह रहे हैं कि आप पृथ्वी लोक के बच्चों के साथ पतंग उड़ाने जा सकते हैं। हाँ। रानी परी, दीदी आपने मुझे अनुमति सचमुच पृथ्वी लोक पर जाकर पतंग उड़ाने की? जी डुबा डुबा एक, शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। लेकिन रानी परी, पतंग तो है नहीं डुबा डुबा एक के पास, फिर वो उड़ाएगा क्या? बिजदार परी, आप चिंता मत कीजिए, हम डुबा डुबा एक की इस समस्या को अभी दूर कर देते हैं। डुबा डुबा एक, अपना हाथ आगे कीजिए। हाँ, ये लीजिए। अरे
लेकिन डूबा डूबा एक, बिना डोरी के आप ये पतंग उड़ाएंगे कैसे? अरे हाँ, है नहीं मेरे पास तो कोई डोर। अबे डूबा डूबा एक, आपकी इस समस्या का हल हम अभी कर देते हैं। शुक्रिया बालपुरी, शुक्रिया। ये देखिए डूबा डूबा एक, आपके इस पतंग के लिए ये डोर तैयार है। अपना हाथ आगे कीजिए। हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया बालपरी, शुक्रिया। अरे बालपरी, ये क्या कर दिया आपने? अगर आपके इतने तेज और मजबूत बालों की डोर से डूबा डूबा एक की उंगली कट गई तो? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे डूबा डूबा एक, चिंता मत कीजिए, ये सब परियां तो आपसे मजाक कर रही हैं। बाल परी के बाल तो इतने रेशमी हैं, तो भला आपके हाथ कैसे कटेंगे? और बाल परी के बालों से बनी ये डोर इतनी मजबूत है कि तीनों लोगों की कोई भी डोर इस डोर को नहीं काट सकती। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और पृथ्वी लोक में जाकर पतंग उड़ाने का आनंद लीजिए। जाऊंगा मैं भी पृथ्वीलोक और उड़ाऊंगा पतंग बच्चों के साथ। अब इस नटखट परी की प्रयोगशाला से चुराऊंगा मैं सच्चे और अच्छे शक्तियों के वो जादुई जूते और फिर उसे पहनकर जाऊंगा मैं पृथ्वी लोक। तो फिर चलेंगे कैसे मेरे पैर बालवीर की जादुई आग से? शाबाश तोपा तोपा शाबाश। लेकिन है कहाँ वो जादुई जूते? अरे हो कहाँ तुम जादुई जूते? हो कहाँ? मिल जादुई जूते, जादुई जूते। अब जाऊंगा मैं पहनकर इन जादुई जूते को बड़े आराम से पृथ्वी लोक पर और फिर देखूंगा परी पतंगा को बच्चों को उठाते हुए अपनी आंखों से। मैं चाहता मैं जल्दी से यहाँ से, वरना आ जाएगी वो जासूस परिया परीलोक की तो पड़ जाएगी लेने के देने मेरे। भाग तोपा तोपा भाग। अरे केवल जल्दी चल, हम लोग काइट कंपटीशन में लेट हो जाएंगे। अच्छा चलो चलो। वैसे बॉस मैं क्या कर रहा था, आपने पिज्जा बर्गर का स्टॉक तो मंगवा लिया है ना? अरे आपके लिए, देखो अभी आप इतनी भारी पतंग उठाओगे, उसे उड़ाओगे, थक जाओगे ना? नहीं मैं थकूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पतंग उड़ाने की मेहनत करनी ही नहीं है। वो कैसे बॉस? अभी दिखाता हूँ। ये देख, ये मेरी स्पेशल पतंग है, मेरे पापा मेरे लिए सिंगापुर से लाए हैं। इस पतंग में एक फैन लगा हुआ है और वो फैन बैटरी पे चलता है और उससे ये पतंग अपने आप उड़ती है। मुझे बस पतंग उड़ाने की एक्टिंग करनी है। अरे वाह, सिंगापुर की पतंग। लेकिन बॉस अगर किसी को पता चल गया कि आप चीटिंग कर रहे हो तो? किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये देख इस पतंग के पीछे ये फैन लगा हुआ है, कोई यहाँ देख ही नहीं सकता। लेकिन बॉस अगर इतनी महंगी पतंग कट गई तो आपके पापा आपको मांझे से बंधकर हवा में उड़ा देंगे। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी पतंग कटेगी ही नहीं। क्यों बॉस, ऐसा क्या खास है इसमें? एक मिनट, तो ये देख ये स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक फिरकी है और ये बटन है ना, ये बटन उस फैन का है, ये बटन दबाते ही मेरी पतंग हवा से बातें करेगी और सिर्फ मुझे पतंग उड़ाने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और रही बात मांझे की, तू जरा इसे तोड़ के दिखाना। उसमें क्या है ना, ये देखो।
मेरे दांत हिल गए और ये टूटता ही नहीं है। ये मान जा, मैंने मेरे पापा से स्पेशली मलेशिया से मंगाया है। और ये मान जा नहीं है, ये कॉपर की पतली वायर है जिसपे कलर लगा हुआ है, समझा? वाह बॉस, बहुत बड़े चीटर निकले आप तो, बहुत बड़े चैंपियन निकले आप तो। मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब देखना, मैं उन टिड्डियों की सारी पतंगे काट दूंगा, एक भी नहीं बचेगी, एक भी नहीं। अरे हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। ये महिला मंडल भी है ना, दोपहर को साफ सफाई करना शुरू, ये नहीं कि भाई एक घंटा इंसान को सोने दे। ओहो, यहाँ पर भी शांति नहीं है। अरे भाई सीटी धीरे से बजाना, मेरे कान पक रहे। बाबूजी बाबूजी, आपके कान आलू टमाटर या गोभी है जो पक रहे? ये नहीं सुधरेगा क्या? सीटी क्यों बजा रहे हो? देखो देखो महेश, तुम्हारे बापूजी इस उम्र में सीटी मार रहे हैं। अब बंद कीजिए ना ये नॉइज सॉल्यूशन। नॉइज सॉल्यूशन नहीं माँ, नॉइज पोल्यूशन। हाँ वही, सेम टू सेम। एक मिनट, महेश मुझे लगता है बात कुछ और ही है, कुछ गड़बड़ है। रॉकी भैया आप बताइए क्या हुआ, आप तो यही थे ना? हाँ बताता हूँ भाभी, वो क्या था ना, मैं यहाँ पे करके ऐसे सीटी बजा बजा के यहाँ पे खेल रहा था। बापूजी तो लेटे हुए थे, अब मैंने करके मैंने सीटी बजाई, वो गलती से बापूजी के मुंह में चली गई। रॉकी तुम ना हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। अब खैर एक मिनट, अब आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, निकाल दे सिटी, निकाल दे, झुको झुके झुके। माँ मुझे लगता है सिटी बहुत बुरी फंसी, ऐसे नहीं निकलेगी। क्या क्या बोलना चाहते हैं? अरे ठीक से बताइए ना। एक मिनट एक मिनट, मुझे लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि इनके गले में जो ये सीटी अटकी है ना वो निकालो, है ना? तो वैसा लेकिन निकालेंगे कैसे? कैसे? स्कोर हुआ है एक। अब देखते हैं सबसे ज्यादा पतंग कौन काटता है। No! माने ऑलरेडी दो पतंग काट चुके हैं, मौसम लेट हो गए, दो पिज्जा बर्गर कम खाते तो क्या होता? चुप, डर मत, जो पता है ना मेरे पास पैन वाली पतंग है और कॉपर का मान जाए, देखना मैं दो मिनट में स्कोरबोर्ड चेंज कर दूंगा। बॉस आपके पापा सिंगापुर से स्कोरबोर्ड मिला है क्या? अरे बेवकूफ, चेंज कर दूंगा मतलब मानव से ज्यादा स्कोर करूंगा, समझा? चल
उड़ाने का क्रैश कोर्स सीख लेना, फिर वो तुझे आधे घंटे में सिखा देगा। हाँ। लोग अभी जितना मुझ पर हंसना है ना, हंस लो, पर देखना आधे घंटे में मैदान साफ नहीं किया ना तो मेरा नाम भी माउंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं। अच्छा केवल जा। बड़ी फुर्ती से अपना खाता खोला था और दूसरी पतंग काट के उसने अपना स्कोर मानव के बराबर कर दिया है। जिस बच्चे को है पतंग से प्यार वो बनता है मेरा शिकार। आ रही हूँ बच्चों मैं तुम्हें पतंग लोक लाने। मानव तू सच बता, तूने मोंटू को कहीं वो क्रैश कोर्स की ट्रेनिंग पहले ही नहीं दे दी ना? अरे नहीं। अरे पुकी ये सवाल तू मानव को नहीं मेहर को पूछ, और ये भी पूछ उसे माइक चाहिए क्या, उसे बताना पड़ेगा ना उसे कैसा महसूस हो रहा है। और मेहर नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। मैं उस पतंग को जाने नहीं दूंगी, वापस लेकर ही रहूंगी। अरे क्या कह रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हम ना एक बात फिक्स कर लेते हैं। फिक्स नहीं फिक्स। हाँ वो वही सेम टू सेम। देखो हम फिक्स कर लेते हैं, आप एक सिटी बजाओगे तो आपको पानी चाहिए, आप दो सिटी बजाओगे तो आपको चाय चाहिए, और आप तीन सिटी बजाओगे तो आपको पंच चाहिए। मोटा भाई देखा, तीन बार सिटी बजाई इनको पंच चाहिए, मैं देता हूँ पंच। ए ए ए रॉकी नहीं माँ का मतलब माँ पंच नहीं लंच। वही सेम टू सेम। ठीक है तो अब आप सिटी बजा के बताइए कि आपको क्या चाहिए। ए माँ आपका आइडिया फ्लॉप है माँ, बाबूजी ने चार सिटी मारी देखो ना। देखो हमने ये चार बार सिटी का अभी फिक्स नहीं किया है, ऐसा मत कीजिए आप। ये एक मिनट माँ एक मिनट, बापूजी मैं आपको पेन और पेपर देती हूँ, आप लिख कर बताइए आपको हाँ। क्या चाहिए ये लीजिए। डॉक्टर अच्छा चौथी सिटी मारेंगे तो डॉक्टर है ना बापूजी। ऐसा बोले ना चौपीस। चलो अभी फिक्स है, अभी एकदम फिक्स। एक सिटी यानी पानी, दो सिटी यानी चाय, तीन सिटी यानी पंच लंच, और चार सिटी यानी डॉक्टर। हाँ हमें तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए ना सिटी निकालने के लिए। हाँ बुला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक टेरिफिक आइडिया मेरे दिमाग में आया माँ। डॉक्टर यहाँ के क्या करेगा, वो ऐसा वो पकड़ से बाबूजी के गले में से अंदर से ऐसा वो सीटी खींच के निकालेगा बराबर। माँ काम का खर्चा क्यों करने का, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। श्वेता जाओ पकड़ टॉर्च चिमटा जो मिले वो लेके आ जाओ। अरे आप सीटी मत बजाइए, अब आप सीटी बजाएंगे तो सीटी अंदर तक चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा जी, फिर मुझे तकलीफ होगी ना। बाबूजी हिलिए मत, अरे सिटी के साथ एक डाल भी निकल जाएगा फिर आपका, हिलिए मत। नहीं सिटी दिख नहीं रही है शायद, अंदर गले के अंदर उतर गई है सीधा। अरे जल्दी सिटी निकालो मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है। बोलो यहाँ बापूजी इतनी तकलीफ में है और इसे सिटी लेके बाहर खेलने जाना है। मैं दूसरी सिटी लाके दूंगी। पता नहीं आगे जाकर मेरा ये क्या हाल करेंगे।
ये कमाल के जूते मेरे कदम रखने पर भी हो नहीं रहा कोई भी असर बालवीर के अग्नि रेखा जादू का। अब बड़े आराम से देखूंगा मैं परी पतंगा के पराक्रम के है कैसे उठाती वो बच्चों को पतंग महोत्सव से। मेरी पतंग कहाँ चली गई? परिवार की बच्ची बहर है ये बालवीर की दोस्त भी उठा लिया अगर परी पतंगाने इसे तो होगा एक प्रकार से बालवीर पे ही वार। अरे वाह, लेकिन है कहाँ वो परी पतंगा? मेरी फेवरेट पतंग कट गई। मिल क्या मुझे मेरा अगला शिकार, क्योंकि इसे भी है पतंग से प्यार, इसलिए बनेगी मेरा शिकार। अब इसे पतंग टोकरे जाकर उसी डोर से बांध ताकि ये मेरे लिए मणि लेकर आ सके। गई परी पतंगा। बेटा क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो तुम? वो मेरी फेवरेट पतंग कट गई इसलिए मैं उदास हूँ। ओ, लगता है पतंग बहुत अच्छी लगती है तुम्हें। हाँ, मुझे पतंग बहुत अच्छी लगती है। जिस बच्चे को है पतंग से प्यार वो बनेगा पतंगा का शिकार। वो कितने कलरफुल होते हैं। मुझे दादाजी हमेशा कहते हैं कि पतंग हमें खुले आसमान में उड़ना सिखाती है। मुझे भी पतंगों की तरह लहराना और खुले आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। खुले आकाश में उड़ना है ना तुझे? ठीक है, मैं उड़ाऊंगी तुझे। तैयार हो जा अपनी आखिरी उड़ान भरने के लिए। अरे मत करो अपना समय व्यर्थ, उठा लो इस बच्ची को। और वो हमें ये आंटी, आंटी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, पता नहीं। ब्यूटीफुल पतंग है। हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं इस पतंग को लेकर जाती हूँ और सबको दिखाती हूँ, सबको बहुत अच्छा लगेगा। भाई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन तुम यहाँ वो भी बच्चे के रूप में? हुआ आया मैं भी यहाँ पतंग उड़ाने का आनंद लेने बालवीर। तुम्हारू भाई, अरे बालवीर नहीं, बल्लू। गया था मैं, भूल ही। ये देखो बालवीर। बल्लू, है ये पतंग मेरी। है दी रानी परी ने मुझे ये पतंग, ये देखो। वाह, बहुत खूबसूरत है। और ये देखो बल्लू, है दी बाल परी ने मुझे ये डोर। और है पता तुम्हें है क्या विशेषता इसकी? नहीं। अरे है बनी ये डोर बाल परी के मजबूत बालों से। हाँ, नहीं काट सकते किसी भी लोग की कोई भी डोर इसे। और है मजे की बात ये कि उड़ाने वाले की नहीं कट सकती उंगलियां भी इससे। अच्छा। हाँ, ये डोर तो बहुत ही अच्छी है। हाँ,
लेकिन डुबा डुबाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाओ उन बच्चों के साथ पतंग उड़ाओ। अरे देखो पतंग स्पर्धा शुरू हो चुकी है। मोंटू, केवल, मानव, सलोनी, वानी, पुकी सब। अरे हाँ मेहर, मेहर कहाँ है? वो तो अपने कटी हुई पतंग के पीछे भागी थी, लेकिन अब तक लौटी क्यों नहीं? बालवीर, बल्लू, हुआ क्या? कुछ नहीं डुबा डुबाई का, तुम जाओ बच्चों के साथ खेलो, मैं आता हूँ। चलो मैं तो पतंग उड़ाने। कहाँ होगी मैं? देता हूँ तुम्हें एक चुनौती, कल पतंग महोत्सव में हो जाएंगे सारे बच्चे काया। कहीं कहीं तौबा तौबा के अनुसार भयंकर परी कोई चाल तो नहीं चल रही? मुझे मुझे मेहर को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। कहीं मेहर संकट में तो नहीं फंस गई? मुझे मुझे अभी जाके पता करना चाहिए कि आखिर ये मेहर गई कहाँ। अचानक गायब कहाँ हो गई? कहीं तौबा तौबा और भयंकर परी ने उसे अगवा तो नहीं कर ली? अगर ऐसा है तो मैं उनके मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे मेहर को किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। बालवीर, हाँ कहा ना मैंने तुम्हें कि ले जाऊंगा उठा के बच्चों को तुम्हारी नाक के नीचे से। लो उठा लिया ना तुम्हारी दोस्त को। वो भले ही उठाया परी पतंगा ने उसे, लेकिन हुई तो चुनौती मेरी पूरी ना। अब ढूंढते रहना उसे यहाँ वहाँ, अरे नहीं मिलेगी वो तुम्हें। मेहर, मेहर, वाह है लगता आकाश कितना अच्छा सुंदर रंग बिरंगे पतंगों से है। आरा कितना मजा लड़ाने में पैच और काटने में पतंग इस मजबूत डोर से जो है बनी बाल परी के बाल से। चलो नहीं कितना मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है, पर ये मैं भी ना ये मजा छोड़ के पता नहीं अपने कटी हुई पतंग के पीछे भाग गई। बल्लू भी गायब हो गया, हो सकता है वो लोग छुपन छुपाई खेल रहे हो। अरे छुपन ढील ले, आ ले ले ले, सॉरी सॉरी सॉरी। बॉस मैं क्या बोलता हूँ, मैं कब से मेरे की पकड़ के खड़ा हूँ, तो इधर मुझे ही पतंग उड़ाने दो ना। ठीक ना, दो मिनट में यहाँ की सारी पतंग काट दूंगा। अभी चुप, गधे कहीं के, पता नहीं स्पेशल पतंग है, इसके ऊपर फैन लगा हुआ है। ये गधे, तू इस पतंग को उड़ा नहीं पाएगा, उनका पतंग तुझे उड़ा के लेके जाएगी। स्पेशल पतंग है, चुपचाप फिर की पकड़। काहे की स्पेशल पतंग? बॉस वो स्कोरबोर्ड देखो, मानव ने 7 पतंग काटी और 6। ये बेवकूफ, तू मुझे बातों में उलझा के रखता है ना, इसीलिए। अरे चुपचाप तुझके पकड़ने तो दूंगा ही। अब बस देख मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का कमाल। ये बस अब देखना सलोनी की बारी है। Yes!
के साथ ही मानव और मोंटू का स्कोर एकदम बराबर हो गया है ड्रॉ में। अब देखते हैं सबसे ज्यादा पतंग कौन काटता है और कौन विजेता होता है। मानव, अब तो मोंटू ठीक से पतंग भी नहीं उड़ा पा रहा था, आज उसने इतनी सारी पतंगें काट दी। ना मुझे लगता है मोंटू चीटिंग कर रहा है। करने दे, जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिरता है। मोंटू ने गड्ढा खोदा? कब, क्यों, कहां? सॉरी, कॉन्सेंट्रेट। देखा मेरे इम्पोर्टेड मांझे का कमांड, एक भी पतंग नहीं टिक रही है मेरे मांझे के सामने। अब देखना 5 मिनट में पूरा आसमान खाली हो जाएगा सिवाय मेरे पतंग के। है बड़ा इतरा था ये मोटा अपनी जोर पे, है लगता मुझे कि पड़ेगी दिखानी इसको बाल परी के बालों की शक्ति। काटूंगा अब इसकी पतंग। केवल देख, और एक बकरा आ गया कटने के लिए, चल लपेट। नहीं बस, इस पर ढील दे। मैंने बोला ना लपेट तो लपेट। नहीं बस, बोल रहा हूँ ढील दे दे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना लपेट, मैं बोल रहा हूँ ना बस, मेरी बात सुनेगा कि नहीं? नहीं बस, मेरी बात सभी लोग सुनो बस, चुप लपेट। नहीं बस, 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 नहीं बस। किसने काटी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की पतंग? हाँ क्या बसा इस मोटे की पतंग काट के। लेकिन बहुत ज्यादा कैसे हो सकता है? पर की भाई रे, मुझे कैसे पता? इन टिड्डियों को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मेरी सिंगापुर वाली पतंग पकड़ के आता हूँ। दुष्ट पतंग, मैं जानता हूँ कि तू कोई बुरी शक्ति है, छोड़ दे इस बच्ची को, कहाँ ले जा रही है इसे? बेवकूफ पक्षी, तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? मेरा नाम पक्षायु है, तेरे जैसी ही कोई बुरी शक्ति के श्राप से मैं पक्षी बना हूँ। ओ, तो अभी कमजोर पक्षी मुझसे युद्ध करेगा? हाँ करूँगा, और इस बच्ची को तेरे चंगुल से छुड़ाकर ले भी जाऊंगा। अच्छा तो ये ले। नन्हे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। मैं बताती हूँ कि मैं कौन। मैं हूँ पतंगा परी और ये है मेरा पतंग लोक। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? क्योंकि तुम्हें पतंग अच्छी लगती है और जिस बच्चे को है पतंग से प्यार वो बनता है पतंगा का शिकार। वो देख, वो है मेरा पहला शिकार और तुम दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ढेर सारे बच्चे लटकेंगे उस डोर पर। लेकिन पतंगा परी, आप ऐसा क्यों कर रही है? बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका? कमजोर बच्चे मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मुझे तो मुझे वो चाहिए, वो मनी। पतंग से प्यार करने वाले बच्चों को उस डोर पे बांधूंगी, फिर पतंग की तरह उड़ाकर उस मनी तक ले जाऊंगी।
ताकि तुम मुझे वो मणि दा कर दो। करोगी ना मेरा ये काम? करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। देखो मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर बालवीर को पता चल गया ना तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। बालवीर, वो बच्चों को बचाने वाला बाल, वो क्या बिगाड़ेगा? वो मुझ पे वार करे, उससे पहले ढेर सारे बच्चों को लाकर उस अग्नि कुंड के ऊपर लटका दो, फिर उन बच्चों के जरिए जैसे ही मैं वो मणि प्राप्त कर लूंगी, मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिमान, और तुम्हारा बाल भी मुझे छू भी नहीं पाएगा। तीनों लोकों में मेरा राज होगा, पतंगा का राज। तैयार हो जाओ लटकने के लिए। नहीं मत, तुम्हें ज्यादा देर अकेले नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ ना तुम्हारे दोस्तों को लाने। अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे आप? देखो जब तक आपकी ये मुंह की सीटी बाहर नहीं आएगी तब तक आप बाहर नहीं जाएंगे। अरे बाहर जाएंगे, लोग आपको ऐसे सीटी बजाते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उनको लगेगा कि ये इस आदमी की उम्र तो देखो, इस उम्र में ये आदमी ये सीटी बजा रहा है, ये सीटी बजा रहा है। मुझे जाने दो, अगर नहीं गया ना तो तुम लोग मेरी बैंड बजा दोगे। महेश देखिए ना, बाबूजी की तकलीफ बढ़ रही है, जरा जल्दी कुछ सोचिए ना। आइडिया, आप तो यहाँ पे एक मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप? यही ना कि रॉकी का आइडिया एकदम बेकार होगा। होने दो, अब मेरा मतलब है उसे भी तसल्ली हो जाएगी कि उसने भी थोड़ा फ्राई किया है ना। ये आज मुझे फ्राई करके ही छोड़ेगी। फ्राई नहीं माँ, ट्राई ट्राई। हाँ वही सेम टू सेम। देखो क्या, अरे क्या रॉकी भैया, ये क्या वैक्यूम क्लीनर क्यों लेकर आए? भाभी आपको याद है एक बार मेरे पेन की कैप वो सोफे के नीचे चली गई थी, तो वो मेरे हाथ से ऐसे ऐसे आ नहीं रही थी, तो मैंने इस वैक्यूम क्लीनर से करके बाहर निकाल ली। इसी तरीके से मैं इस वैक्यूम क्लीनर को बापूजी के मुंह में डालूंगा और गले से सीटी बाहर निकालूंगा। करेक्ट करेक्ट। मोटा भाई, माँ आप लोग कसके पकड़ो, मैं अभी बाहर निकालता हूँ। आइडिया अच्छा है बापू जी, चलो यही मौका है, भाग लेता हूँ, वरना ये रॉकी मुझे वैक्यूम क्लीनर के अंदर घुसा के ही रहेगा। हाय हाय, तेरे बापूजी कहाँ गए? अरे कहीं बापूजी वैक्यूम क्लीनर के अंदर तो नहीं चले गए? अरे जोक जोक था, जोक था। चार अपनी भैया। जोक करने का टाइम है। हाँ, जोक कर। बापूजी बापूजी ढूंढा नहीं है, बापूजी। महर महर। अरे ये पक्षी इतना घायल कैसे हो गए? कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। देखिए अब आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप उड़ सकते हैं। धन्यवाद, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे आप बोल भी सकते हैं? मैं हूँ पक्षायु, तुम बालवीर हो ना?
बच्चों के दोस्त। हाँ, लेकिन आपका ये हाल किसने किया? एक पतंग ने, जिसने एक बच्ची को बंधक बनाया है। एक पतंग जिसने एक बच्ची को बंधक बनाया है? हाँ, वो कोई साधारण पतंग नहीं थी, कोई बुरी शक्ति थी वो। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे घायल कर दिया। ये पतंग ने जिस बच्ची को बंधक बनाया है, वो कहीं है तो नहीं है? बालवीर, मैं तो उस बच्ची को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम बचा लो। देखिए पक्षाई, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उस बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ठीक है? अब जाइए। आखिर वो पतंग है कौन और उसका पता कैसे मिलेगा? मुझे रानी परी से बात करनी चाहिए, शायद वो मुझे कुछ बता सके। बापू जी को ढूंढ निकालने का स्वादिष्ट आइडिया है मेरे पास, मैं अभी आई। स्वादिष्ट आइडिया मतलब क्या? पता नहीं। चलो चलो तुम्हारे बापू जी को ढूंढो। कहाँ गए? बापू जी के लिए उनके फेवरेट नूडल्स। अच्छा, इसलिए बोल रही थी ताकि बापू जी को इसकी खुशबू जाए और अपने आप बाहर निकल जाए। स्वादिष्ट आइडिया। किले क्या क्या? कोई बात नहीं, जाओ और मुंह धोकर आओ। रुक। बॉस, कहाँ की पतंग थी आपकी? सिंगापुर। वापिस सिंगापुर ही चली गई। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। बॉस, ये मांजे पे अच्छी क्वालिटी का कलर लगा देना, ये मेरा हाल नहीं होता। चुप। अरे सादा चपड़ चपड़ मत कर, मेरी पतंग गई। लगता है बच्चों को भी है पतंग यार। अब यही बनेंगे मेरा अगला शिकार। वाओ, क्या ब्यूटीफुल पतंग है। हाँ, ऐसी पतंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी। केवल, यह पतंग मुझे दे दे केवल। नहीं दूंगा बॉस, ये मेरी है। दे दे केवल। लड़ क्यों रहे हो बच्चों? ये सांबा, आप कौन हो? शिकारी। और तुम दोनों हो मेरे शिकार। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? रोकी माँ,
अरे कमरे में से सिटी की आवाज आ रही है, बाबूजी यहाँ है। अरे अच्छा बाबूजी, सुनिए कहाँ हो आप? बाबूजी बाबूजी कहाँ गए आप? बाबूजी बाबूजी महेश चल दिया, देख बापूजी की सीटी की आवाज यहीं से आ रही है, लगता है इनमें ही है वो। खोल इसे जल्दी। हाँ ये अलमारी तो लॉक्ड है, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि बापूजी अंदर गए कैसे होंगे। अरे तू ये सब छोड़ ना, अलमारी की चाबी ढूंढ चल। चाबी माँ? हाँ। वो अलमारी की चाबी तो पक्की गुम हो गई है। क्या? एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमें इस अलमारी की चाबी ढूंढनी है या फिर बापूजी के गले से ये सीटी निकालनी है? ए रॉकी, जब अलमारी खुलेगी तो सीटी उसमें से बाहर निकलेगी कि नहीं? लेकिन एक मिनट, बापूजी के गले में वो सीटी है ना, अलमारी में थोड़ी ना। रॉकी जब चाबी मिलेगी तो अलमारी खुलेगी ना, और अलमारी एक बार खुलेगी तो बापूजी उसमें से बाहर निकलेंगे, और बापूजी एक बार बाहर निकलेंगे तो उनके गले में से सीटी निकलेगी कि नहीं? तो क्यों इससे बहस कर रहा है? तू छोड़, तू अलमारी की चाबी भी मत ढूंढ, तू इसका दरवाजा ना तोड़ दे। अरे तुम्हारे बापूजी को अंदर तकलीफ हो रही होगी। दम लगा के, दम लगा के, दम लगा के। बालवीर ऐसा कैसे हो सकता है? एक पतंग ने पक्षियों को घायल कर दिया और एक बच्चे को उठाकर ले गए, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। रानी परी, हो सकता है वो पतंग कोई बुरी शक्ति हो जो पतंग के रूप में आई हो। कोई बुरी शक्ति? कौन हो सकती है वो बुरी शक्ति? वो तो मुझे नहीं पता अटका जी परी, लेकिन मुझे मेहर की चिंता हो रही है रानी परी, क्योंकि मुझे लगता है वो पतंग जिस बच्चे को उठाकर ले गई है वो मेहर ही होगी। बालवीर आप चिंता मत कीजिए, हम उस बुरी शक्ति के बारे में तुरंत पता लगाएंगे। रानी परी, कहीं वो बुरी शक्ति पतंगा परी तो नहीं है? पतंगा परी? हाँ बाल परी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। पतंगा परी ये कौन है? उसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है बालवीर। पतंगा परी के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो बहुत ही बुरी शक्ति थी और कई बच्चों को उठाकर भी ले गई थी। लेकिन बालवीर आश्चर्य की बात तो ये है कि पतंगा परी कई सदियों से निष्क्रिय है। तुम्हें कैसे छोड़ सकते? क्योंकि जिस बच्चे को है पतंग से क्या, पतंग से क्या, पतंग वो बनता है मेरा शिकार। ये कतार लंबी होती जाए उस अग्नि कुंड को पार करके तुम लोग मेरे लिए वो मणि लेकर आओ। मेरा परसों बुलाना, परसों बुलाना, पर सर्वशक्तिमान बनने का सम्मान, बनने का सम्मान, बनने का सम्मान साकार होगा। रानी परी, अगर ये कार्य पतंगा परी का है तो हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी सदियों बाद उसने ऐसा क्यों किया होगा। हाँ बात, हम भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शायद उस चुनौती की वजह से जो कल मुझे तौबा तौबा ने दी थी। चुनौती? कैसी चुनौती बालवीर? दरअसल तौबा तौबा कल पृथ्वी लोक पर आया था और वहाँ उससे मुझे चुनौती दी थी। देता हूँ तुम्हें एक चुनौती, कल पतंग महोत्सव में हो जाएंगे सारे बच्चे। और इसीलिए मैंने पृथ्वी लोक पर जादू कर दिया था ताकि वो अपना कदम पृथ्वी लोक पर ना रख सके, और शायद इसीलिए वो पतंगा की मदद से बच्चों का अपहरण करवा रहा है, क्योंकि पतंगा उड़ते उड़ते ये काम कर सकती है।
लेकिन अब मैं पतंगा को रोकूंगा, इससे पहले कि वो किसी और बच्चे को उठा कर ले जाए। रानी परी, मुझे पृथ्वी लोक पर जाना होगा, आज्ञा दीजिए। हाँ बालवीर, जाइए, हमारी आज्ञा है। और हम यहाँ गुप्तचर परियों के द्वारा पतंगा परी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। जी रानी। सारे बच्चे, इन सब को है पतंग से प्यार, अब सब बनेंगे मेरा शिकार, अब इन सब को भी ले जाओ। मणि पाने का मेरा बरसों पुराना सपना आज ही पूरा हो जाएगा। मानव की पतंग कट गई है, लेकिन मानव का स्कोर फिर भी सबसे हाईएस्ट है। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पतंग काटता है। अरे यार, मुझे इंटर करना चाहिए था, है ना? अरे पर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तू तो नंबर वन पोजीशन पे सिक्स। इसे तो पक्का पतंग से प्यार है, सबसे पहले मैं इसे ही ले जाऊंगी पतंग रोक। क्या मस्त पतंग है ना? हाँ। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। आ गया, आ गया एक और बालवीर का दोस्त परी पतंगा की इच्छा से। परी पतंगा, ले पकड़ इसे, ले जकड़ इसे अपनी डोर से। है नहीं अब तू मणि से अधिक दूर, और वो नहीं मैं भी प्रधान बनने से अधिक दूर। देखो बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मैं मानो बताओ। देखो बच्चों, चिंता मत करो, मैं मानो को खुश नहीं होने दूंगा, ठीक है? तबा तबा, तुम यहाँ कैसे आए और तुमने पृथ्वी लोक पर कदम कैसे? कदम हो रहा है ना तुम्हें आश्चर्य कि चल क्यों नहीं रहे मेरे ये कदम तुम्हारी अग्नि रेखा जादू से? बालवीर, है ये सब कमाल इन जादुई चूतों का है जो छुपाए मैंने तुम्हारी प्यारी नटखट परी की प्रयोगशाला से। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पतंगा परी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हाल में मानव को बचा के ही रहूंगा। बापूजी, आप ठीक तो है ना? बापूजी आप चिंता मत कीजिए, हाँ महेश कुछ करेंगे। हाँ बहू, अब महेश भी क्या कर सकता है? तुम्हारे बापूजी भी ना ऐसे कबाड़ में छुप गए जिसकी चाबी खो गई है। हाँ।
अरे ये क्या कुछ भी बोल रही है। अरे छुपते वक्त मुझे थोड़ी पता था कि सलमारी की चाबी गुम हो गई है। अब क्या करूं, कैसे निकलूं यहां से। ये सीटी बजाते बजाते गला सूख गया है, प्यास भी लगी है, लेकिन इनको बताऊं कैसे। अरे हाँ, कागज पे लिख के देता हूं। पैसे तो निकल नहीं रहे और रसीद निकल रही है। अरे रसीद नहीं है, चिट्ठी है। चिट्ठी है? ए रुको, सुधा रुको, रुको, पढ़ना मत। माँ मैं समझ गया हूँ, बापूजी आपको ऐसी कोई बात बताना चाहते हैं जो वो कहने से शर्मा रहे हैं, इसलिए उन्होंने चिट्ठी भेजी है आपके लिए। भाई तुम्हारे बापूजी को प्यास लगी है, अब मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे पर बहू, तुम पानी तो लेकर आओगी पर हम पिलाएंगे कैसे। आइडिया, सॉरी भाभी, आप पानी लेके आइए, मैं अभी आता हूँ। क्या समझ गया माँ, ये क्या आइडिया निकलेगा पता है, वो है ना पिचकारी लेके आएगा, यहाँ से पिचकारी मारेगा, बापूजी वहां से पानी पी लेंगे। बाबूजी पानी। रुक जा, छोड़ दो उस बच्चे को, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ, तो बच्चों को बचाने वाले बालवीर तुम ही हो, तुम मुझे रोकोगे। पतंगा परी को रोकना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हट जाओ मेरे रास्ते से। चला जाऊंगा पतंगा परी, लेकिन तुम्हारा अंत करने के बाद, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा, छोड़ दो उसे। चेतावनी? अब मैं देती हूँ तुम्हें चेतावनी, ये देखो। नहीं कर रहा। हे विस्तार परी, मेरे तीरों में अपनी शक्ति भर दो, पतंगा को नष्ट कर दो। But I
करके बाली, पर क्या करूं? मेरा कुछ काम अधूरा है, इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत जिद्दी हो तुम बालवीर, तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। अभी तुम्हें मजबूत है जो बना बालपरी के बालों से, वो काटता अभी मैं इससे। डुबाड़े भाई। हाँ, लेकिन बालवीर हुई कैसे तुम्हारी ये हालत है? कहा मानो और थी कौन वो पतंग बना जिसने मानव को बंधक? डुबाड़ू भाई, वो कोई मामूली पतंग नहीं थी, बल्कि वो पतंगा परी बहुत ही बुरी और शक्तिशाली है। बालवीर, और उससे मानव को ही। बालवीर कहाँ है आप? बालवीर, नहीं परी मुझे बुला रही, हो सकता है उन्हें पतंगा परी के बारे में कुछ अधिक जानकारी मिली। डुबाड़ू भाई, हनी परी मुझे पुकार रही। डुबाडू भाई, हमें सबसे पहले परीलोक जाना चाहिए, हो सकता है रानी परी हमें पतंगा परी के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहती है। चलो एक पल रुको, चलो। बस बाबूजी बस। रॉकी, रस्सी लेके आ जा। रस्सी क्यों? माँ एक मौका दो मुझे, इस आखिरी ट्राई में अलमारी खुलती है तो अच्छा है, वरना फिर तोड़ देंगे। ला 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 ला। अरे ये जो रस्सी अंदर आ रही है ना, इसे कस के पकड़ना बापूजी। हाँ, कस के पकड़ के रखना, हम लोग बाहर से खींचेंगे तो ये दरवाजा खुल जाएगा। हाँ बापूजी, बापूजी। अरे बताइए ना, रस्सी पकड़ेगी नहीं आपके? पकड़ी। माँ, हाँ, यहाँ से
जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा। बापूजी अलमारी में से निकल गए। महेश, ऐसा बापूजी बोल रहे हैं? महेश, बापूजी अलमारी से तो बाहर निकल गए, लेकिन उनके गले से सीटी कैसे निकलेगी? आइडिया। बालवीर, हमने अपनी गुप्तचर परियों के द्वारा पतंगा परी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो जल्दी बताइए रानी परी, क्योंकि वो एक के बाद एक सभी बच्चों का अपहरण करती ही जा रही है। बालवीर, पतंगा वास्तव में एक बुरी परी है जो पतंग लोक में रहती है और पतंग के रूप में वो बच्चों को उड़ाकर ले जाती है। लेकिन क्यों और आखिर मकसद क्या है उसका? बालवीर, पतंगा परी एक मायावी और महाशक्तिशाली मणि चाहती है जिसे वो केवल बच्चों के द्वारा ही प्राप्त कर सकती है। और अगर उसे मणि प्राप्त हो गई तो वो सर्वशक्तिमान बन जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे उसे रोकना ही होगा और वो भी किसी भी हाल में। लेकिन रानी परी, मेरा जादू उस पर नहीं चला और वो मेरे सामने से मानव को उठाकर ले गई। बालवीर, आपका जादू पतंगा परी पर नहीं चलेगा। यहाँ तक कि हम में से किसी भी परी का जादू पतंगा परी पर नहीं चल सकता। तो रानी परी, उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है। क्या माँ, जल्दी बताइए। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही पतंगा परी का अंत करने के लिए तुम्हें पतंग बनकर उड़ना होगा, उससे पेश लड़ाना होगा और उसे काटना होगा, तभी पतंगा परी का अंत हो सकता है। तो ठीक है माँ, अब मैं पतंग लोक जाऊंगा और पतंगा परी का अंत करके बच्चों को छुड़ाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, पतंगा परी की डोर बहुत तेज है। जी डरी परी। रुकिए बालवीर। है पतंग के साथ डोर भी जरूरी, इसलिए हूँ मैं भी आना चाहता आपके साथ। है मुझे भी पतंग उड़ाने का अच्छा अनुभव, शायद कर सकूं मैं भी तुम्हारी कोई मदद। तो ठीक, चलो डुबा डुबाए चलो। रहे हो बच्चों, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा बालवीर यहाँ नहीं आने वाला। वो तो फंसा होगा कहीं मेरे जादुई धागों में बंधकर। क्या? चला था मुझसे उलझने के लिए और खुद ही उलझ कर रह गया। पतंगा परी, इतना घमंड मत करो। बालवीर आएगा और हम सबको छुड़ा कर भी लेके जाएगा, और याद रखना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, देख लेना। नादान बच्चों, तुम्हें पता नहीं है कि पतंग लोक में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, और अगर गलती से आ भी गया तो वापस नहीं जा सकता। क्या? अब लट के रहो यहीं पे, जब तक मुझे और बच्चे नहीं मिल जाते। अब मुझे मणि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता और मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिमान।